दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल एडसेंस में एड्रेस को कैसे आप चेंज कर सकते हैं। ये ज़रूरी तब आपको पड़ेगा जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। पहले गौर से समझिए एक बारीकी से कि इसमें होगा क्या। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आपके अकाउंट में एड्स दिखाने के बाद, बहुत सारे व्यूज़ आने के बाद, आपके अकाउंट में $10 हो जाने के बाद वेरीफाई करने का ऑप्शन आता है, एड्रेस वेरीफाई को करने का ऑप्शन आता है। ताकि जब आप एड्रेस वेरीफाई करोगे तो ही आपके जहाँ का भी एड्रेस दोगे आप, वहाँ पे आपको पिन पहुँचाया जाता है। तो सबसे पहली बात कि अगर आपके गूगल एडसेंस बनाते समय सही एड्रेस आप नहीं दिए रहते तो काफ़ी सारे लोगों का यह गलती हो चुका रहता है। इवन मेरा भी गलती हो गया था। उस समय किसी को पता नहीं रहता है कि इसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना। काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें अपना चैनल का नाम ही डाल देते हैं, लेकिन उसमें एड्रेस मैनेजर में आपका चैनल का नाम नहीं, आपका रियल नाम और आपका जो रियल आधार कार्ड पे, ड्राइविंग लाइसेंस पे, वोटर आईडी कार्ड पे, जो कोई भी एड्रेस है उसको उसमें फिलअप करना रहता है। तो ही आपके एड्रेस पे आपका पिन, गूगल वेरीफाई वाला पिन, उस पर पहुँच पाएगा, अन्यथा नहीं पहुँच पाएगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैसे चेंज करते हैं। ओरिजिनल वाला जो आपके आधार कार्ड पे होगा उसी को आपको डालना है, आधार कार्ड पे, ड्राइविंग लाइसेंस पे, वही सब एड्रेस को डालना है। या फिर जहाँ का भी आप ओरिजिनल निवासी हो, जहाँ का भी आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब को ही डालना होगा। तो चलिए मैं फटाफट से आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे किस तरह से आपको करना है। तो फटाफट से आपको ले चलता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र पे किस तरह से आपको करना है। सबसे पहले आपको आ जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र के डेस्कटॉप मोड में। यहाँ से आपको डेस्कटॉप मोड कर लेना है और यहाँ पे आपको लिखना है क्रोम ब्राउज़र में गूगल एडसेंस। और गूगल एडसेंस लिखने के बाद पहले आपको इस तरह से ओपन होगा एंड उसके बाद यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन होगा पेमेंट्स का, पेमेंट का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन सेटिंग्स। तो मैनेज सेटिंग्स पे आपको यहाँ पे आपको और यहाँ पे आपको मिल रहा है नेम एंड एड्रेस, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप इस तरह से आपको सबसे पहला नेम आपको अपना लिख देना है, जो आधार कार्ड में नेम है, ड्राइविंग लाइसेंस में, उसको लिखना है। जैसे नेम लिख देना है, उसके बाद आपको एड्रेस लाइन 1 में लिखना है सनफ, यानी कि अपने पिता का नाम सनफ। उसके बाद विलेज लिख दीजिए, पोस्ट लिख लीजिए। उस पोस्ट लिखने के बाद वार्ड नंबर, जिस भी वार्ड नंबर में है उस वार्ड नंबर को लिख लीजिए, ताकि आपके यहाँ वेरीफाई पिन पहुँचने में, गूगल पिन, ज़्यादा परेशानी नहीं हो। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस लाइन 2 में डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिए। उसके बाद थाना लिख लीजिए। उसके बाद जो आपका अनुमंडल है उसको भी लिख लीजिए आप, और मोबाइल नंबर यहीं पे आपको दे देना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद टाउन सिटी में आपका जो भी सिटी है उसके बाद सिटी लिख दीजिए, और ज़िले का नाम भी उसमें आप लिख सकते हो। और पोस्ट कोड में, यानी आपका जो भी पिन कोड है उस पिन कोड को आपको लिखना है। स्टेट में आपको लिख लेना है, जो कोई भी स्टेट हो। उसके बाद फ़ोन नंबर में, जो कोई भी फ़ोन नंबर हो उसको आपको लिख देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी आपको पसंद आएगी। इस तरह से आप चेंज करके अप्लाई कर सकते हैं गूगल वेरीफाई पिन के लिए, तभी आपका सक्सेसफुली होगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा आप सबको, काफ़ी नॉलेजफुल वीडियो था। तो मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी।